इन्वर्टर मदरबोर्ड का इन्वर्टर के बाहर निकाल कर कंप्लीट वायरिंग कर टेस्टिंग करने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था। एक इन्वर्टर का ट्रांसफार्मर जिसका प्राइमरी का 3 टर्मिनल पॉजिटिव 12 वोल्ट 12 वोल्ट, जब इन्वर्टर मोड में रहेगा तब ये 12 0 12 प्राइमरी रहेगा, 230 वोल्ट सेकेंडरी रहेगा। जब चार्जिंग मोड में होगा वाइट वायर फीडबैक का पिन नंबर 9 में कनेक्ट है, यहाँ पर एक ब्लू वायर के साथ में आगे। दो सौ तीस वोल्ट सप्लाई देंगे, 3 टर्मिनल यहाँ पर कॉमन एनओ और एनसी। एनओ के ऊपर का बल्ब एनसी के ऊपर का बल्ब जला, अभी जो नॉर्मल सप्लाई है बैटरी डिस्कनेक्ट है अभी फिलहाल। दो हीट सिंक ड्रेन लाइन 1 और ड्रेन लाइन 2, ड्रेन लाइन 1 पर 4 MOSFET, ड्रेन लाइन 2 पर 4 MOSFET। बैटरी का कनेक्शन करेंगे, वाइट वायर बैटरी का है, यहाँ रेड को जोड़ेंगे। बजर बजर दूसरा लाइट एनओ के ऊपर का चालू हो गया, निकालने के बाद एनसी के ऊपर का बल्ब। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल वाइट वायर, नेगेटिव टर्मिनल ब्लैक वायर, ब्लैक वायर बैटरी के नेगेटिव में जोड़ा हुआ है। उसके आगे दो फ्यूज है 40 एम्पियर के, 4 रेजिस्टेंस है नेगेटिव में। ड्रेन लाइन में आगे दो डायोड है, ड्रेन लाइन 1 और ड्रेन लाइन 2 में दोनों डायोड के एनोड कैथोड कॉमन करके आगे एक कैपेसिटर को दिया है 35 वोल्ट, 1000 mAh 2200 mAh या 4700 का रह सकता है। उसके आगे दो रेजिस्टेंस खराब हुआ था, उसको पीछे शार्टिंग डाला हुआ है, एक बजर, दो रिले, एक रिले चेंज ओवर कांटेक्ट एनओ एनसी इन्वर्टर लाइन और नॉर्मल सप्लाई के लिए। बाजू में एक चोक है BT137 बैटरी चार्जिंग के लिए। बैटरी लगाएंगे यहाँ पे, ये लाइट इन्वर्टर के आउटपुट में दिया हुआ है, ये चालू होता है। बैटरी थोड़ा कम डिस्चार्ज है इसलिए लाइट ज़्यादा देर नहीं चलेगा। इस समय बैटरी के ऊपर कम लोड है इसलिए पतला वायर और या 800 वाट के ऊपर ज़्यादा करंट खींचेगा, यहाँ मोटे वायर रहेंगे। बैटरी निकाल दिया, नॉर्मल सप्लाई के ऊपर ही लाइट जल रहा है। जैसे बैटरी जोड़ेंगे बजर बजेगा चेंज ओवर के बाद। दूसरा बल्ब एक्चुअल, इस बल्ब को सप्लाई जो पॉइंट से दिया है वहाँ पर इन्वर्टर का ये पीला वायर इन्वर्टर लाइन के रूप में जुड़ेगा। अब ये डिस्कनेक्ट रखा गया है, सिर्फ एक छोटा सा बल्ब दिया हुआ है यहाँ पर। ये ग्लो हो रहा है,
इस प्रकार का कंप्लीट सेटअप।